वेलकम टू स्टडी आसन द पाथ टू सक्सेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे की, जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से जनता में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और योगा के महत्व और ह्यूमन हेल्थ के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2014 में भारी पब्लिक डिमांड पर इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नामित कर दिया था। 21 जून को ही चुने जाने का कारण यह था कि यह दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है, यानी कि जिसे हम समर सोल्स्टिस कहते हैं, और कैलेंडर में सबसे लंबा दिन भी यही होता है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी जब 21 जून 2015 में भारत ने 191 देशों की अगुवाई करी थी और करीब 40,000 लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर एक साथ योगासन किए थे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 जून 2018 को भी बना जब राजस्थान के कोटा शहर में करीब 1,00,000 लोगों ने योग साथ किया था। इस दिन को भारत के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई बड़े देशों में भी मनाया जाता है। इस समय जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है और इसी वजह से सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे की थीम इसी को सोचकर रखी गई है, बी विद योग, बी एट होम, योग के साथ रहें, घर पर रहें। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक भाग के रूप में 11 जून 2021 को नमस्ते योगा ऐप भी लॉन्च कर दिया है। यह मोबाइल ऐप जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिजाइन किया गया है। चलिए विस्तार में बात करते हैं योगा के बारे में कि योगा क्या है, इसकी मीनिंग, हिस्ट्री और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है कि मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना का वो यूनिवर्सल पावर से जुड़ जाना, उस असीम शक्ति से जुड़ जाना और सेल्फ रियलाइजेशन हो पाना। योगा से ही हमारा स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल डेवलपमेंट भी होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ योगा की। योगा के 8 मेन टाइप्स बताए गए हैं, या फिर कह सकते हैं 8 रास्ते बताए गए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी इस वक्त दिख रहे हैं। पहला है जप योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा ज्ञान योग, चौथा भक्ति योग, फिर राज योग, स्वर योग, कुंडलिनी और नाड़ी। इन रास्तों को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को सही मायनों में सही तरीके से जी सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ योगा की। योग हजारों वर्ष पूर्ण भारत में साधु संतों द्वारा विकसित किया गया था। इसकी शुरुआत हुई है 5000 वर्ष पहले इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन से, और यह सबसे पहले नामित किया गया था ऋग्वेदा में। 3rd century BCE में योग दूसरे रिलीजन्स में भी कॉमन हो गया था, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एटसेट्रा। 5th century तक योगा सिर्फ मेडिटेशन और धर्म से जुड़ा हुआ था, इसका वर्कआउट से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन माना जाता है कि धीरे धीरे, स्पेशली 1947 में नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चल रहे थे इंडिया में, उस टाइम पर इसकी वैल्यू और बढ़ गई थी और आज इसमें से रिलीजियस फैक्टर तो बिल्कुल हट चुका है, क्योंकि योगा कोई धर्म नहीं है, यह जीवन यापन करने का एक तरीका है जिसकी एम है हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा कौन है, तो इसका जवाब है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योगा को सही रूप से कोडिफाई किया, नया रूप दिया और योग सूत्र भी दिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी योग के बारे में बात की और उसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जोड़ा। उन्होंने 1893 में शिकागो में अपने भाषण में अमेरिकन्स को भी योग से परिचित करवाया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अब बात करते हैं योगा के बेनिफिट्स की, यानी कि योगा के फायदों की। दोस्तों, योगा की प्रैक्टिस करने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मनुष्य के बॉडी, माइंड और सोल को कंट्रोल में रखा जा सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी से दूरी आप पा सकते हैं और मानसिक शांति पाना और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से निजात पा सकते हैं। योगा हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे ही देश का गिफ्ट है, इसीलिए घर पर रहिए, योगा करिए और स्वस्थ रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। वेलकम टू स्टडी।